Good morning, class 4th. In our previous class, chapter number 5 is completed, and today we are starting chapter number 6. Chapter number 6. Its name is PLAY, play, T-I-M-E, time, play time. Play time means, you all know very well what is play. Playing. Playing means khelna. Aur kya khelna? We play games. Kya khelte hum? Games khelte hain. Toh chapter mein hum गेम से रिलेटेड ये चैप्टर है. गेम से रिलेटेड आपको बहुत सिंपल सा टॉपिक है इस चैप्टर. ये जो चैप्टर है सिंपल सा टॉपिक है, इसमें गेम खेलना और आपका फेवरेबल भी है. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम कौन कौन से गेम खेलते हैं. आप लोग सभी लोग गेम खेलते हैं, हम सब लोग खेलते हैं ना गेम. व्हाई वी प्ले गेम्स, खेल क्यों खेलते हैं, क्यों खेलते हो आप लोग खेल. जब आप किसी वर्क को करते करते कंटिन्यूस किसी काम को करते हैं, जैसे आप घर के अंदर रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, या आप स्टडी करते रहते हैं, स्कूल जाकर आप पढ़ाई करते हैं, उसके बाद दिन में भी आप क्या होमवर्क वगैरह करते हैं, तो क्या होता है, आप थक जाते हैं या फिर आप बोर हो जाते हैं. तो उस टायर्डनेस को निकालने के लिए, दूर करने के लिए, या अपनी बोरियत को, जो आप बोर हो गए हैं उसको, उससे दूर होने के लिए, उसको दूर करने के लिए आप क्या करते हैं, आपने चेंज करने के लिए आप खेल खेलते हैं. हम सब लोग क्या करते हैं, खेल क्यों खेलते हैं, हम गेम खेलते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि हम एक ही काम को करते करते ऊब जाते हैं या फिर हम टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं. तो अपनी टायर्डनेस को दूर करने के लिए और अपनी बोरियत को दूर करने के लिए वी प्ले गेम्स. ठीक है, उसके बाद में जो हम गेम खेलते हैं वो सभी एक ही तरह के गेम नहीं होते हैं. मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेम. गेम कितनी तरह के होते हैं, टू टाइप्स के. एक होते हैं इंडोर गेम्स और एक होते हैं आउटडोर गेम्स. द गेम्स विच वी प्ले इनसाइड द हाउस आर इंडोर गेम्स एंड द गेम्स विच वी प्ले आउटसाइड द हाउस, जो हम घर के बाहर इन आ ओपन प्लेस, इन एन ओपन प्लेस, जो ओपन प्लेस में आउटसाइड द हाउस, घर के आउट बाहर जाके खेले जाते हैं, आर आउटडोर गेम्स. एंड जिन गेम्स को हम घर के अंदर इनसाइड अ रूम, एक रूम के अंदर खेलते हैं, आर इंडोर गेम्स. ठीक है, अगर आपके एग्जांपल पूछा जाए तो इंडोर गेम्स के एग्जांपल क्या होते हैं, कौन से गेम होते हैं जिनको हम घर के अंदर खेलते हैं. यस, लूडो, कैरम, स्नेक एंड लैडर्स, ये जो गेम है लूडो, कैरम, स्नेक एंड लैडर्स, ये जो गेम है प्लेइंग कार्ड्स या फिर ताश खेलते हैं, ये जो गेम है हम घर के अंदर एक जगह पे बैठ के शांति से खेल सकते हैं चुपचाप. इसको खेलने के लिए ज़्यादा हमको एक बड़े प्लेग्राउंड की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत नहीं है, छोटे से एरिया के अंदर गेम खेल सकते हैं. तो ये इंडोर गेम्स हैं. और क्रिकेट आउटडोर गेम के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, इन गेम्स को आप घर के अंदर खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते. इनको खेलने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, आप एक प्लेग्राउंड की, ओपन प्लेस की, बिग प्लेग्राउंड या फिर ओपन प्लेस की हमको रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है. तो दीज आर आउटडोर गेम्स, ये आउटडोर गेम्स होते हैं. इसके अलावा बच्चों कुछ गेम ऐसे भी होते हैं जिनको खेलने के लिए टीम की ज़रूरत होती है, जैसे क्रिकेट, हॉकी, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, टू टीम्स के बीच में गेम खेला जाता है, लेकिन टीम के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं तो टीम गेम होते हैं. इसके अलावा कुछ गेम ऐसे भी होते हैं जो इंडिविजुअली खेले जाते हैं, केवल अपने के लिए खेले जाते हैं. जैसे आपके सामने अगर मैं बात करूँ तो लूडो, इसमें टू ही प्लेयर्स होते हैं और वो इंडिविजुअली अपने लिए खेलते हैं. और क्रिकेट की बात करें तो टीम गेम है, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं एक टीम में और बहुत सारे प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं मेनली, तो एक टीम में और 11 प्लेयर्स अदर टीम में होते हैं, तो ये टीम गेम है. तो इस तरह से टू टाइप के गेम हो गए. और अकॉर्डिंग टू मेंबर्स ऑफ द प्लेयर, प्लेयर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वो भी टू टाइप के गेम होते हैं. एक तो इंडिविजुअल गेम जो सिर्फ खुद खेले जाते हैं, जिसमें टू ही मेंबर्स होते हैं, टू ही प्लेयर्स होते हैं, या फिर टीम गेम जिसमें टीम्स होती है और टीम्स में मैनी प्लेयर.
अब इस चैप्टर को रीड कर लेते हैं, टू पैराग्राफ्स, पेज नंबर 34, गेम्स वी प्ले, इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से ही बारिश हो रही है, नैन्सी वॉज वेरी सैड एज हर प्लान ऑफ साइकिल रेस विद हर फ्रेंड्स डिड नॉट सीम पॉसिबल एनी मोर, और नैन्सी दुखी है क्योंकि उसका प्लान था कि वो साइकिल रेस लगाएगी अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो वो बारिश के कारण पॉसिबल नहीं होगा। वॉट इज वॉट अ वेस्टेज ऑफ अ हॉलीडे, हॉलीडे पूरी वेस्ट हो गई, उसने सोचा। हर मदर ट्राई टू चेयर हर अप, उसकी मम्मी ट्राई कर रहा था कि उसको खुश करे। नैन्सी व्हाई डोंट यू कॉल योर फ्रेंड्स एंड वी कैन टुगेदर हैव अ नाइस गेम ऑफ लूडो और स्क्रैबल एट होम, आप अपने फ्रेंड को घर पे बुला लीजिए नैन्सी, और उसकी मदर ने कहा कि हम घर में बैठ के लूडो खेलेंगे या जो स्क्रैबल वाला गेम होता है वो खेलेंगे। वी कैन इवन प्ले चेस, हम चेस भी खेल सकते हैं। नैन्सी ब्राइटेंड अप, इट्स अ गुड आइडिया मम्मा, नाउ यू कैन मेक सम पकौड़ा फॉर अस, आप पकौड़ा बनाइए, मैं अपने फ्रेंड को कॉल करती हूँ। ऑल ऑफ अस नीड टू प्ले गेम्स टू रिलैक्स एंड स्टे फिट, तो गेम्स जो हैं हमको रिलैक्स तो करते ही हैं, साथ में हमको फिट भी रखते हैं, क्योंकि गेम्स खेलने से हमारी बॉडी की एक्सरसाइज होती है, और एक्सरसाइज करने से हम क्या रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं। गेम्स कैन बी इंडोर एंड आउटडोर, गेम इंडोर भी होते हैं और आउटडोर भी होते हैं। आउटडोर गेम्स आर प्लेड आउटसाइड इन द पार्क और प्लेग्राउंड, आउटडोर गेम तो हम पार्क में या प्लेग्राउंड में खेलते हैं। सम कॉमन आउटडोर गेम्स आर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, खो खो, हॉपस्कॉच, ये आउटडोर गेम है। आउटडोर गेम्स आर जनरली प्लेड बिटवीन टू टीम्स और बिटवीन टू प्लेयर्स, इसको खेलने के लिए टू टीम भी होती है और टू प्लेयर्स भी इसको खेल सकते हैं आउटडोर गेम्स को, तो ये टीम गेम भी है, इंडिविजुअल गेम भी है। और नाउ इंडोर गेम्स आर प्लेड इनसाइड द हाउस, इंडोर गेम कब खेलते हैं, इनसाइड द हाउस, वी प्ले इंडोर गेम्स विद आवर फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स, हम घर के अंदर फैमिली के अंदर आपस में खेल सकते हैं, टीम की जरूरत नहीं है अपने फ्रेंड्स के साथ में। सम इंडोर गेम्स कैन बी प्लेड अलोन, कुछ ऐसे भी गेम होते हैं जो अकेले खेलते हैं, जैसे वीडियो गेम वगैरह हो गए। सम पॉपुलर इंडोर गेम्स आर लूडो, स्नेक एंड लैडर्स, कार्ड्स, कैरम, चेस, ये सारे जो गेम है वो इंडोर गेम्स के एग्जाम्पल है। नाउ टुडे पीपल प्ले वीडियो गेम ऑन देयर कंप्यूटर, अभी के टाइम पे जो सारे बच्चे हैं उनको ना इंडोर गेम पसंद है खेलना ना आउटडोर, उन सभी को पसंद होता है कंप्यूटर पे वीडियो गेम खेलना पसंद होता है या फिर मोबाइल पे। लेकिन ये जो गेम्स होते हैं मोबाइल पे खेले जाने वाले खेल या कंप्यूटर पे जो हम गेम खेलते हैं, दीज गेम्स आर नॉट फॉर गुड फॉर आवर हेल्थ, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, ये हमारे आइज को भी बैड इफेक्ट देते हैं, हमारी आइज भी वीक हो सकती हैं, और हम क्या हो जाते हैं, बैठे बैठे जब वो गेम खेलते हैं तो हम फैटी हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को कोई एक्सरसाइज नहीं मिलती है वीडियो गेम या फिर कंप्यूटर गेम खेलने से। वीडियो गेम कैन बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, नॉट ओनली दे हार्म आवर आइज बट ऑल्सो कॉज फिजिकल हार्म एज वी डू नॉट प्ले आउटडोर गेम बिकॉज वी आर मोर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग वीडियो गेम। No outdoor game means no physical exercise which is bad for our health. अगर हम outdoor या indoor game नहीं खेलते हैं तो हमारी जो फिजीक है, हमारी जो बॉडी है वो हम अनहेल्दी हो जाते हैं, हम फिट नहीं होते हैं। तो हमको अपने आप को फिट रखने के लिए और अपने आप को खुश रखने के लिए आउटडोर गेम भी खेलना चाहिए। ओके, सो टुडे दिस टॉपिक इज कम्प्लीटेड, यू हैव टू रीड पेज नंबर 34 एंड 35। पेज नंबर 34 एंड 35 आप रीड करेंगे, अपने पेरेंट्स को रीड करके ये दोनों पेजेस सुनाएंगे। ओके, थैंक यू।